व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, शायद यहाँ पे एक लव रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की लिमिटेशन नहीं होती। आपके सामने है, पॉप अप होती है तो आपके लिए मैसेज हो सकता है। सबसे पहले कोई ऐसा इंसान है जिसको काफ़ी पछतावा हो रहा है, ये आपका लव वन है या आपका कोई एक्स है या फिर एक्स है या फिर देखो पछतावा उसी को होगा जिससे आपने पहले डील किया हुआ है। तो ये आपका एक्स है या आपका प्रेजेंट पार्टनर है, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले। तो देखने की कोशिश करेंगे ये कौन सा इंसान है जिसको एक रिग्रेट है अपने मन में आपके इस रिश्ते को लेके। चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो है जिनको करंट एनर्जी चाहिए उसके लिए भी ये रीडिंग मैच हो सकती है कि करंटली ये मुझे एक मैसेज मिला है इस इंसान को किस बात का जो है एक रिग्रेट है इसके मन में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, भोलेनाथ वाहे गुरु जी सच्चे पाशा। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो है, ओके देखिए किस बात का इस इंसान को पछतावा हो रहा है। यहाँ पे कार्ड आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता जो था काफ़ी एक अबंडेंट रिश्ता था, ठीक है, जो आपके साथ था। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, लव वन या करंट पार्टनर भी हो सकता है। देखो इस इंसान को लगता है कि हमेशा इसने किस अपने दोनों में से, मतलब आप में और इसमें से दोनों में से किसी तीसरी चीज़ को ज़्यादा हमेशा से इम्पोर्टेंस दी है। मतलब एक जैसे कहते हैं कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा हमेशा से रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो, देखिए स्पेसिफिक होगा, जो इंसान आपके पार्टनर या आपके पर्सन जिसके लिए आप सोच रहे हो उसके कान भरता हो, ये ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके कारण इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है कि इस इंसान ने वक्त रहते जो है इस रिश्ते की कदर नहीं की, दूसरों की बातों पे बिलीव किया, ठीक है, दूसरों की कानों का कच्चा रहा ये इंसान, ठीक है। जो एक रिश्ता, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वॉन्ड्स के ऊपर भी पत्ते निकले हुए हैं, ठीक है, और एक वॉन्ड्स को इसने पकड़ रखा है। मतलब इस इंसान ने दूसरों, इसको एक रिग्रेट है कि इस इंसान ने दूसरों की बातों को ध्यान करके अपना जो सबसे प्यारा रिश्ता था किस, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया है या उसको लेट गो किया है या उसको जो है फॉर ग्रांटेड लिया है। इस इंसान को उस बात का जो है पछतावा है आपके पार्टनर को, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके। तो ये अभी आपको जो है अगर करंट एनर्जी में देखें तो आपका पार्टनर जो है आपको एक अपॉलॉजी देना चाहता है, किसी तरह आपको कोई गिफ्ट या कुछ पैसा या धन या कुछ भी कोई छोटा मोटा गिफ्ट या बड़ा गिफ्ट, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, ये एक स्टेबिलिटी भी हो सकती है। देखो नाइट ऑफ कॉइन, नाइट का कार्ड है, चाहे स्लो होता है ये कार्ड, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन फ्यूचर में इस बंदे ने कुछ प्लान किया है आपको, आपके साथ जो है कुछ ऐसा करने का कि जिससे ये आपको जो है उस अपने पछतावे को दूर कर सके, ठीक है। चाहता है ये इंसान बहुत कुछ करना। अब कई बार क्या होता है, देखो इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसकी प्रेजेंट सिचुएशन भी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वो आपको कुछ दे सके। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चाहते हैं इनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, किस बात के लिए सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं आगे। देखिए ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसने आपको बहुत वेट कराया है, ठीक है, बहुत वेट कराई है इस इंसान ने। ये इंसान कोई मैच्योर है, मैच्योर पर्सन है, ठीक है, शी भी हो सकती है, ही भी हो सकती है, मैच्योर है, थोड़ा एरोगेंट भी है। ये इंसान किसी की नहीं मानता अपने आगे, ठीक है, ये अपने आगे मतलब इसके जो अपनी ईगो है वो रिश्तों से ज़्यादा प्यारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये इंसान कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये कोई एक सीक्रेटिव इंसान है, अपने अपने भाव अपनी इच्छाओं को ये इंसान बहुत इजीली छुपा के रखता है। आप इससे कितना भी आप कोशिश करें, जैसे अगर आपका पार्टनर है तो आप कोशिश करें कि मैं अपने दिल की बात बोलूं तो शायद ये इंसान भी कुछ बोले या ये इंसान भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में बोले, ये कभी नहीं बताएगा। बहुत ही सीक्रेटिव इंसान है, अपना मुंह बंद रखता है ये इंसान। इसको पता क्या, ये इसका जो पास्ट है वो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ फेस किया है, इसने अपने नज़दीकी रिश्तों को खोया है और नज़दीकी रिश्तों को खोने के साथ साथ उनसे धोखा खाया है, ये ऐसा इंसान है, ठीक है।
तो ये देखो, कहीं एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ अन्याय या कुछ अप डाउन्स या फ्लक्चुएशन या बहुत ज़्यादा उसने बुरा टाइम भी देखा होता है, स्ट्रगल करी होती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना एक उसके अंदर एक रिबेलियस एनर्जी भी होती है। मतलब रिबेल का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, किसी चीज़ का विरोध करना। तो ये इंसान को एक इसी में इस इंसान को ना बड़ा मज़ा एक अच्छा होता है, अच्छा फील होता है कि ये इंसान किसी को इंतज़ार कराए लेकिन ये किसी का इंतज़ार ना करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इसका नेचर भी है, जिस वजह से इस इंसान ने इस रिश्ते में काफ़ी देर लगा दी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा या ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं बहुत स्लो हुआ पड़ा है आपका रिश्ता, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। यहाँ पे मून का कार्ड आया जो हमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण ये इंसान बहुत ही गार्डेड रहता है, ठीक है, आसानी से अपनी दिल की भावनाएं आपको नहीं बताता है, ठीक है। तभी जो यहाँ पे ये नाइट ऑफ कॉइन्स स्लो आया है आपकी तरफ, जो है हमेशा से एक स्लो एनर्जी में रहा है, इसने आपको वेट कराई है, ठीक है, या फिर आपके साथ जो है एक अपना जेन्युइन लव जो ये अपने मन में फील करता है वो इसने कभी नहीं बताया। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है, क्या है, क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ फोर ऑफ स्वॉर्ड आया है, ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है, एस ऑफ वॉन्ड जो है रिवर्स आया है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है, और एम्परर एरीज की एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो मैं आगे पढ़ पा रही हूँ कार्ड्स में वो ये है कि ये इंसान को एक ये पछतावा है कि ये इंसान हमेशा से जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है ये इंसान भगोड़ा साबित हुआ है, मतलब भाग गया है उस रिश्ते से, ठीक है। ये इंसान आपको झूठ बोल के या फिर आपको कुछ धोखा दे के, जो धोखा बहुत बड़ा, जरूरी नहीं है कि धोखा ऐसा हो कि इंसान की पूरी लाइफ ही स्पॉयल हो जाए, ये कोई छोटा धोखा भी हो सकता है। देखो किसी को झूठ बोलना या किसी को झूठी उम्मीद दिला देना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, वो भी एक तरह का धोखा है। तो ये शो करता है इसकी मैच्योरिटी को। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि ये सब कर्मों की वजह से जो मैंने अपने पार्टनर के साथ किए हैं, मेरी भी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, कहीं ना कहीं मेरा भी एक गुड लक जो है मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मतलब एक कर्मा फेस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रियलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पछतावा जो है आपके पार्टनर के मन में इन दिनों चल रहा है कि उसको लगता है कि शायद अगर मैं इस रिश्ते में जितना अच्छा कर सकता था अपने पार्टनर के लिए, अगर एटलीस्ट उतना भी करता तो भी जो है मुझे आज जो है एक पछतावा ना होता। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी उनके पार्टनर को लेके क्या हो सकती है, बताइए क्या सोच रहा है ये इंसान। एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन इतना स्लो है। अगर आप जैसे ये चल रहा है रिश्ता, आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपकी बात हो सकती है या हुई है, जो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस रिश्ते में एक आपका जो है कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। इस इंसान से आप बात करने के लिए तरसते रहे हैं बहुत समय से, आप इंसान इस इंसान से, क्योंकि देखो जिससे इंसान प्यार करता है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कई बार आपने सोचा होगा कि इस इंसान से मैं कुछ अपने सीक्रेट शो करूं तो कहीं ना कहीं ये अपनी भी बातें कोई मेरे को बताए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है और अब कहीं ना कहीं जब इसकी लाइफ में चीज़ें जो हैं एक मेस सी बनी हुई हैं, तो अब इस इंसान को एक तरह से रिग्रेट हो रहा है कि जैसा मैंने किया वो वापस लौट के आ रहा है। देखो ना, कहते नहीं जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम सामने वाले को किसी तरह का कोई चीटिंग करते हैं या फिर बुरा करते हैं या फिर एक झूठा दिलासा दे के हम वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये भी एक गुनाह है, ठीक है। ये भी एक गुनाह है कि हमने एक ऐसे इंसान को, इस इंसान को पता क्या लगता है, इस इंसान को लगता है कि मेरा पार्टनर ये पहले से भी काफ़ी दुखी था और मैं भी इसके साथ फेयर नहीं कर पाया। इसके मन में कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का रेग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन और बताएं।
मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या उनके मन में है अपने पार्टनर को लेके। किंग ऑफ कप्स बड़ा इमोशनल फील कर रहा है, आपके लिए बहुत इमोशनल है ये इंसान, बड़े जेन्युइन इमोशन है, सीक्रेटिव है ना, लेकिन क्योंकि नेचर है दिखाता नहीं है, आपको दिखा नहीं सकता ये इंसान। ऑप्शन की कमी नहीं है इस इंसान के पास, उसकी लाइफ में ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़े जो प्यार करने वाले इसकी लाइफ में हैं, वो भी हैं, लेकिन और ऑप्शन का मतलब होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप जो हो इसकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल, जो कहते हैं ना चाहे रिश्ता कैसा भी रहा लेकिन आप इसकी लाइफ में, आप इसके दिल में, क्योंकि यहाँ कप्स की कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो ये आपके पार्टनर का साइन भी हो सकता है, साइन सारे ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वॉन्ट्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, पेंटिकल भी है, कप भी हैं, ठीक है। तो ओके भगवान जी, और बताइए हमें, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ को लेकर कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं प्लीज़। एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, आर्के एंजल फैमिली। अच्छा देखिए, किसी ने मेरे से कुछ एक सवाल किया था, पर मुझे वो नहीं याद नहीं आ रहा क्या सवाल था कि आप इस पर रीडिंग बनाएं। ओके ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है सिक्स ऑफ कॉइन्स का रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं वही बात आ गई, इस इंसान को लगता है कि इसने आपके साथ जो है दूसरों के साथ आपको कंपेयर किया, ठीक है, और इसने, इसको एक मलाल है, इसको एक दुख है कि इसने मतलब औरों के साथ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आप जो हो आपके साथ ये कहीं ना कहीं एक जस्टिस नहीं कर पाया, आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। इस इंसान को चाहता है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि ये आगे जाकर आपको कोई अपॉलोजी दे, आपके लिए ज़िंदगी में कुछ करे, ऐसा करे कि आप जो है इसको याद रखें, आपके अंदर का जो गिला है, ये एक तरह से आपके लिए इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं वो गुनाहगार वाली फीलिंग होती है ना, जो कहते हैं ना, जो हम बुरा करते हैं या कुछ बुरा नहीं भी करते, जो हमें लगता है कि बुरा किया है, बार बार मुझे सन का कार्ड मिल रहा है, तो ये इंसान जो है आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, ये इंसान इस रिश्ते को बड़ा लक्की भी मानता है, इसको लगता है कहीं ना कहीं जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए बहुत लक्की था, जब भी हम अब एक साथ थे तो हमारी लाइफ में बहुत ही कहते हैं ना फूल खिले हुए थे, हरी भरी थी हमारी ज़िंदगी, ठीक है, वॉयलेट कलर, जो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को, देखो इस कार्ड में कितना सारा वॉयलेट कलर है, येलो कलर, दोनों ही कलर जो है, वॉयलेट कलर भी और येलो कलर भी, एक प्रॉस्पेरिटी को, एक खुशहाली को, एक कंटेंटमेंट को शो करता है। तो इस इंसान को ना वही टाइम याद आता है या याद मतलब उस टाइम को कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आप जो है, अब इसको जो है आपको समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, तो आप इसको वो पहले वाली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो ये इंसान जो है तभी कहते ना जब गैप आता है, तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप जैसे आप पूछते हैं तो मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि थोड़ा आप गैप दीजिए, आप अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू जो है रियलाइज़ कराइए। रियलाइज़ ये नहीं होता कि सामने वाले के साथ लठ लेके लड़ लिए, वो वैल्यू नहीं रियलाइज़ होती, रियलाइज़ होती है हमेशा चुप्पी से, तो आप थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध लें, बार बार उसको ना कहें हाँ भाई शादी करनी है नहीं करनी है, ये है वो है, नहीं तो तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तुम मुझे ये कर दो, तुम मुझे वो कर दो, जो अपना ये कहते ना बोल बोल के आपने चीज़ें, कहते हैं ना एक ज़ुबान जो है भगवान ने 32 दांतों के अंदर उसको रखा हुआ है, तब भी वो इतनी लप 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 करके कुछ ना कुछ बोलती रहती है और ज़्यादातर हर्ट करती है, अच्छा तो कम बोलती है लेकिन अपने दुश्मन और खड़े कर लेती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस ज़ुबान को कंट्रोल रखें और शांत रहें इस इंसान को, और हो सकता है आपने ऐसा किया भी है, ठीक है, आपने ऐसा किया भी है, तभी ये पार्टनर जो है आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है समझ रहा है, इसको लग रहा है कि अब कैसे मैं इस अपने पार्टनर से, क्योंकि इसको ना एक स्ट्रेंथ नहीं मतलब एक साहस नहीं हो रहा इस इंसान को आपको फेस करने का, या आपको एक कॉल, ये कम्युनिकेशन चाहता है, अभी ये कम्युनिकेशन चाहता है, इसका मन कर रहा है कि ये आपसे कुछ सॉर्ट आउट, कुछ सॉल्यूशन निकाले, रिकनसाइल करे। ओके जी, तो ये थी आपका जो रिश्ता है, क्या पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को। चलिए हम एक बार एंजल्स से पूछ लेते हैं, रोमांस एंजल्स ये क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, एंजल्स सपोर्टिव एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, या क्या सिचुएशन है, क्या बताना चाह रहे हैं आप बताएं, प्लीज़ डिवाइन लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स की, कलेक्टिव्स की
ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया था, तो मैं अभी अगर देखा जाए तो इस इंसान को आपकी तरफ बड़ा एक पुल फील हो रहा है, बड़ा रोमांटिक फील कर रहा है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है, मतलब योर फीलिंग्स आर रियल। अगर आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग हो रही है इस इंसान को लेके, या फिर आपके पार्टनर के मन में, या पार्टनर की एनर्जी देखी जा रही है ना, तो उसके मन में रोमांटिक फीलिंग हो रही है और वो बड़ी रियल है, ठीक है। एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, मतलब जिस कहते हैं ना, काफ़ी वर्थी है, मतलब एक तरह से आपको वो बहुत वैल्यूबल समझ रहा है ये इंसान, आपकी वर्थ को ये इंसान जो है इसने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। तो आपको ये, क्योंकि यहाँ तभी सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, बहुत एक्सप्लोर किया है, तो इसको लगा है, इस इंसान को रियलाइज हुआ है कि मेरा पार्टनर बहुत कीमती है, तो कहीं ना कहीं वही रेग्रेट है, वही पछतावा है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की एक कलेक्टिव करंट एनर्जी, कह लो यू वर्सेस देम, कह लो यू वर्सेस देम तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमने आपके पार्टनर का ही जिक्र किया है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि भगवान जी बताइए हमें, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स। ओके द सन, उम्मीद अभी भी कायम है, आपकी तरफ से भी सेम वही चीज़ है कि आप जो भी हुआ इस रिश्ते में, आपको ये लगता है कि ये इंसान एक बारी अगर मेरे सामने कहे कि मेरे से ये गलत हो गया, या एक बारी आके जो है एक रिकंसिलेशन या फिर कॉल मैसेज में, अगर मान लो चलो सॉरी नहीं कहना, कम से कम अपनी बातों में ही मुझे अपना प्यार शो करे इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आपको पता है आपका पार्टनर जो है सीक्रेटिव है, किसी ना किसी वे में कोई मैसेज के थ्रू या फिर कोई छोटी मोटी गिफ्ट, कोई अपॉलोजी, चलो गिफ्ट तक का भी नहीं आप सोच रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये कॉल करके आपसे सही तरह बात कर ले, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा खुशी का, क्योंकि इंसान जिसे प्यार करता है ना, उसकी आवाज़ भी उसको हील करती है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ, तो यहाँ पे दोनों को ही उम्मीद है, दोनों ही प्यार में हैं, दोनों ही रिकनसाइल होना चाह रहे हैं, दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है एक स्टेबल रहे, चाहे किसी रूप में भी रहे। तो यही एक बुद्धिमता भी है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, तो ये गाना सुनना चाहिए। यही आपके पार्टनर की फीलिंग है, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ नाइट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान कहता है कि इसकी तरफ एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, इन आँखों की। तो ये आपका जो गाना सुन लीजिएगा, यही आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मेरी गलतियों को माफ करना और प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। शायद हो सकता है ये इंसान मैरिड, क्योंकि पहले एम्परर का कार्ड आया, तो ये इंसान आपको कहना चाहता है कि प्यार बहुत है लेकिन मैं तुम्हें शायद उस चीज़ को बता नहीं सकता। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।